हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि ये देखना है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब इस नवरात्रि में क्या चलने वाला है। ये चीजें देखेंगे, कुछ यूनिक देखते हैं कि इस नवरात्रि में यानी कि 9 दिन इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चलने वाला है। गाइस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि ये थर्ड पार्टी कौन है। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चलने वाला है इन दोनों के बीच में इस नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर अंदर। गाइड कीजिए, रिवर्स प्लीज माइंड प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज ओरिएंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या चलने वाला है इस नवरात्रि में इस थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या चलने वाला है। डिस्कवरी डिस्पोटेंस गाइड कीजिए, रिवर्स बताइए क्या चलने वाला है दोनों के बीच में इस नवरात्रि में। गाइड कीजिए एक्सपेंशन गाइड कीजिए, रिवर्स बताइए क्या चलने वाला है इस नवरात्रि में। बिटर स्वीट एक कार्ड और दीजिए, रिवर्स बताइए क्या चलने वाला है दोनों के बीच में इस नवरात्रि में। सेल्फ वर्थ गाइड कीजिए, रिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज ओरिएंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस नवरात्रि में क्या चलने वाला है व्यूअर्स के पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तमाइजर सोरो द क्रिएटर बियॉन्ड इल्यूजन अंडरस्टैंडिंग। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बेसिकली इस नवरात्रियों में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ज्यादा कुछ सही नहीं चलने वाला है। बेसिकली आपके पर्सन इन नवरात्रियों में काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, काफी परेशान रहेंगे और अपनी फीलिंग्स को किसी को भी एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। यानी कि दिल में इनके क्या चल रहा है एक्सप्रेस करने के मामले में ये बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाएंगे और उसका रीजन ये है कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगे। आपके पार्टनर ना इन नवरात्रियों में काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहेंगे, जो इन्हें एंजाइटी डिप्रेशन, रात को इन्हें नींद ना आना, इन्हें शांति ना मिलना, सुकून ना मिलना, इस तरह के डिप्रेशन वाली एनर्जीज में, इस तरह के ख्यालों में ये रहेंगे इस नवरात्रि में। यहाँ पर ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं क्योंकि आपके पर्सन काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कन्विंस करते हुए, बहुत ज्यादा समझाते हुए भी नजर आ रही है। यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस एनर्जीज में इन नवरात्रियों में रहने वाले हैं, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गाइड करते हुए नजर आ रही है ताकि ये इस डिप्रेशन से निकल जाएं। और बहुत ज्यादा ये मीठा भी बोलने वाली है, यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है, ताकि बेसिकली आपके पर्सन ना इस सैड एनर्जी से, इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से निकल जाएं। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, यानी कि ये आपके पार्टनर को ऐसा ही शो करने वाली है कि ये इनके लिए हमेशा तैयार है, इनके लिए हमेशा खड़ी हुई है। जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी तैयार है, अपनी लाइफ में नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी तैयार है, ये जो भी थर्ड पार्टी है। बट ये अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आए, ये ऐसा ही चाहती है आपके पार्टनर से, ऐसा कन्विंस करते हुए नजर आ रही है। आपके पार्टनर को ये ऐसा ही समझाने वाली है कि ये अपने कैरियर पे फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, अपने आप को एक्सपेंड करें, अपने आप को बहुत ऊंचा उठाएं और अपने निर्माता, अपनी जिंदगी के क्रिएटर ये खुद बने, ये ऐसा आपके पार्टनर को समझाने वाली है। ये चीजें दिख रही हैं।
आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन चीजों को समझते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये समझ तो रहे हैं लेकिन दिल से आपके पर्सन इन नवरात्रियों में अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक भी महसूस करेंगे। चीजों को दिमाग से तो ये समझ चुके होंगे लेकिन दिल इनका अभी भी गवारा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही होगा कि वो अपने आप को इस थर्ड पार्टी का इतना समझाने के बावजूद अपने आप को ये स्टक ही महसूस करेंगे। यहाँ पर ये चीजें दिख रही है। तो ओवरऑल आपके पर्सन काफी ज्यादा परेशान, चीजों को समझने की कोशिश करने वाले हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा मीठा बोलते हुए दिखाई दे रही है और आपके पर्सन का फोकस वो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ पर, उनके कैरियर पर, उनके फ्यूचर की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रही है। ठीक है, और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज ओरिएंटल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस नवरात्रियों में थर्ड पार्टी व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या होने वाला है दोनों के बीच में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, दो कार्ड्स आए हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, अगेन टू कार्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए बस, बताइए क्या होने वाला है दोनों के बीच में इस नवरात्रि में। गाइड कीजिए, टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नंबर्स के बारे में बात करूं तो देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फोर यानी कि अप्रैल मंथ भी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली नवरात्रों में आपके पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, काफी अकेला अपने आप को फील करने वाले हैं और काफी ज्यादा अपने इमोशंस को छुपाने भी वाले हैं। इन्हें नवरात्रियों में ऐसा लगने वाला है कि ये सब लोगों के खुश होने के बावजूद, सब लोग तो खुश हैं लेकिन ये ही अकेले रह गए, ये भी अंधेरे में रह गए हैं, कुछ ऐसा फील करने वाले हैं। और ये अपने आप को अकेला इसीलिए फील करेंगे क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं रह रहकर आपकी याद, आपके साथ इनके जो भी पल थे उनकी याद इन्हें बहुत ज्यादा आने वाली है। हो सकता है आप लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे, मैरिड थे तो ऑब्वियसली साथ में सेलिब्रेट करते थे, अनमैरिड थे तभी भी आप लोग साथ में ही काफी चीजें सेलिब्रेट करते थे, तो ये सब चीजें आपके पर्सन को रह रहकर इन नवरात्रियों में बहुत ज्यादा याद आने वाली है। आपने अपनी मैरिज को लेकर जो भी सपने सजोए थे या आप ऑलरेडी मैरिड थे तो उस पल के जो सपने थे वो सब चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा याद आने वाली हैं। यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज्यादा याद आने वाली है, इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस नवरात्रियों में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होने वाले हैं, काफी कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, ये भी चीजें दिख रही हैं। और उसका विषय, जो इनकी लड़ाई झगड़ों का विषय होगा, वो होंगे आप। इस लड़ाई झगड़ों के बीच में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके मामले में कुछ क्लियरिटी आएगी। जैसा इमेज इस थर्ड पार्टी ने आपकी बना रखी है, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको दूर कर दिया था, उस मामले में इन्हें कोई ना कोई यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं, यानी कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने आपकी कोई खराब इमेज इनके सामने बना रखी है, आपके पर्सन के सामने, लेकिन इनके इसी लड़ाई झगड़ों में उन सब चीजों की अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं और सडनली ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन जब आपकी यादों में खोए बैठे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपका ही जिक्र इन दोनों के बीच में आने वाला है, जिस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद तो और दूध का दूध पानी का पानी वाली सिचुएशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस, देखो आप लोगों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां हैं, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही हो या फिर आप ज्योग्राफिकली दूरियों पे रहते हो, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस नवरात्रि में आपके पर्सन आपके पास ट्रेवल करने का डिसीजन ले, आपकी तरफ आए वो ट्रेवल करके। यहाँ पर ये भी चांसेस है क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस क्लियरिटी के बाद, इन लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बाद आपके पार्टनर को आपकी कदर समझ में
आने वाली है, जो चीजें ये सीने से लगाए हुए बैठे थे आपको लेकर, जो गलत बातें ये सीने से लगाए बैठे थे आपको लेकर, उन सब चीजों की क्लियरिटी इन दोनों के सामने आ जाएगी। यहाँ पर ये चीज है, तभी आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी मेमोरीज तो इन्हें बहुत ज्यादा याद आने ही वाली है। यहाँ पर ये है, आपके पार्टनर के साथ ये हो रहा है कि उन्हें पता है कि अब अगर वो इस सिचुएशन की लीड लेंगे, जो वो ट्रेवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर अब वो इस सिचुएशन की लीड लेंगे, यानी कि अगर वो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे वो कोई यू टर्न नहीं ले सकते, वो वापस से थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकते, या थर्ड पार्टी की अब बातों में वो नहीं आ सकते हैं। ये चीजों का भी इन्हें पूरी तरह से आइडिया है। ओवरऑल यहाँ पे ये मैच्योरली सिचुएशन को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ ट्रेवल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस रिश्ते को, जिस रिलेशनशिप को, जिस मैरिज को, जिस सपने को आपके पार्टनर ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, उसके लिए वो एफर्ट करते हुए आपकी तरफ इस नवरात्रि में बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले मूनोलॉजी से देखते हैं क्या होगा अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या डिसीजन होगा, क्या फैसला होगा इनका, क्या कंक्लूजन होगा, क्या आउटकम होगा, ये सब चीजें देखते हैं। दो कार्ड्स आ गए, होल्ड योर विजन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओहो वेरी नाइस, गाइड कीजिए क्या होगा इसके बाद अगर इनकी तरफ बढ़ते हैं तो। गाइड कीजिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। गाइड कीजिए बस, बताइए क्या आउटकम होगा इसका। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया है। देखिए गाइस, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आपका जो भी सपना है, जो भी आपने थॉट्स अपने पर्सन को लेकर मन में रख रखे हैं, आप उसके बहुत ज्यादा करीब आ गए हो, यानी कि नवरात्रियों में काफी लोगों के पर्सन का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, और काफी लोग खुद से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। आप लोग काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो अपने इस रिलेशनशिप के मामले में। बस आपको यहाँ पर ये जरूर करना है कि पहली चीज तो बिलीव करना है इस इम्पॉसिबल चीज पे, जिस पे काफी लोगों ने बिलीव करना, विश्वास करना ही छोड़ दिया है कि अभी नहीं आएंगे, अभी इनका आना इम्पॉसिबल है। तो उन लोगों से बोला जा रहा है आपको बिलीव करना है इस इम्पॉसिबल चीज पे। जब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे इसी क्लियरिटी के मामले में, तो आपको भी बोल्ड होकर उन चीजों को क्लियर करना है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। उसके अलग आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने प्राइड को, अपने अहंकार को बीच में नहीं लेकर आना है, या अपने ईगो को आपको बीच में नहीं लेकर आना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों का ये जो भी सिचुएशन थर्ड पार्टी को लेकर चल रहा है, उसका क्लाइमेक्स आपके ही फेवर में होगा, एक फेयरी क्लाइमेक्स होगा, जो सही होगा, गलत नहीं होगा, आपके फेवर में और एकदम सही और एकदम सटीक होगा। गलत को गलत और सही को सही क्लाइमेक्स मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, यहाँ पर ये चीजें बोली जा रही हैं। ठीक है, चलिए एंजल से और देखते हैं। गाइड कीजिए बस, बताइए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के मामले में। गाइड कीजिए बस, बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आपसे बोला जा रहा है आपको नवरात्रियों पे तो स्पेशली मेडिटेट करना है, थोड़ा आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, अपने आप को रिकवर करना है, अपने आप को हील करना है, ऐसा बोला जा रहा है। और इस नवरात्रियों पे काफी लोगों का रिश्ता भी रिकवर हो जाएगा, यहाँ पर ये चीजें भी बोली जा रही है। If you believe, again believe is impossible and if you believe, अगर आप विश्वास करते हो तो सब चीजें आप ही के फेवर में होंगी। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, तो काफी लोगों का यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइमिंग आ गया है आपका ऑलरेडी। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे ये बोला जा रहा है कि काफी लोगों का ना ये जो नवरात्रियों में समय आ गया है काफी लोगों के रिलेशनशिप को रिकवर होने में, यहाँ पर ये चीजें भी बोली जा रही है, तो बहुत अच्छी है। यानी कि इस नवरात्रियों में काफी लोगों के केस में से थर्ड पार्टी का पलड़ा फाइनली नीचे गिरता हुआ और आपका पलड़ा उसमें क्लियरिटी आते हुए काफी लोगों के केस में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस आपको मेडिटेट करते रहना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है, इम्पॉसिबल चीजों पर बिलीव करते रहना है, ताकि आपके रिश्ते में जो भी दरारें आ गई हैं उन सब में रिकवरी भी हो जाए, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है। चलिए देख लेते हैं मेजर अरकाना से और क्या कहा जा रहा है आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या कहा जा रहा है मेजर अरकाना से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए।
एम्प्रेस यस का कार्ड है, जो आप चाह रहे हो वो बिल्कुल होगा आपकी लाइफ में, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे काफी लोग शायद अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो या आपके बच्चे भी हो सकते हैं। काफी लोगों के केस में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो आपके लिए अट्रैक्शन फील करते थे, जो आपके लिए अट्रैक्ट हुए थे, वही अट्रैक्शन उनका फिर से बढ़ेगा, जो हम ऑलरेडी क्लियर भी कर चुके हैं। वाओ, इस नवरात्रियों पे ये होने वाला है, जोड़ा मिलने वाला है, द लवर्स, यानी कि काफी लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में जो हो वो लोग यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हो। आप दोनों यस कार्ड है, जी हाँ, इस नवरात्रों पे काफी लोगों का रीयूनियन रिकंसिलेशन यहाँ पर होता हुआ तो नजर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर तय होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड होता है मैरिज का, काफी लोगों के लिए मैरिज के लिए बात हो सकती है, मैरिज कमिटमेंट तक बात पहुंच सकती है, मैरिड हो तो रिलेशनशिप में वापस से आ सकते हो, यानी कि रीयूनियन आपका हो सकता है। ये चीजें हैं, द फूल, नई शुरुआत, काफी लोगों के जीवन की नई शुरुआत विद द फूल कार्ड होते हुए इस नवरात्रियों पर नजर आ रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइस। फाइनली इस नवरात्रियों पे काफी लोगों के केस में से थर्ड पार्टी का दी एंड, आपकी जो इमेज बना रखी है ना वो इमेज क्लियर हो जाएगी, इस थर्ड पार्टी का दी एंड हो या ना हो, लेकिन आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी ने जो आपकी इमेज क्रिएट करके बनाकर रख रखी है ना, वो चीज उन चीजों के मामले में काफी लोगों के पार्टनर को क्लियरिटी आ जाएगी कि आपकी ये इमेज जो सर्व करी है इस थर्ड पार्टी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये चीज है, तभी आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसकी लीड लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइस, आई होप आपको भी रीडिंग पसंद आई हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई है। अगर रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो अपने आप को, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।